यमुना हो चाहे गंगा हो चाहे सरस्वती, प्राग राज में जहाँ पर तीर्थंकर ऋषभ देव ने तप किया है, दीक्षा ली है, उस अक्षय वट वृक्ष के सामने देखो प्रयागराज में तीन नदियाँ बह रही हैं और तीनों पानी मिलके बह रहे हैं। ऐसे मित्र आपके बीच में जब तक धर्मात्मा धर्मात्मा की प्रति, कक्ष कक्ष की प्रति, कमरे कमरे की प्रति, ये तीन सागरी मित्र बराबर ऐसे भाव मन में आ गए, हम तीन बढ़िया है, अच्छा हुआ इधर उधर हो गए, इधर उधर हो गए, भाव आते ही तुम्हारा समता भाव इधर उधर हो गया, वो कई मुख से ओर निकल पड़े, अमुक जी उधर हो गए, अच्छा हुआ वो मित्र कभी भी शब्द गूंजते गूंजते पहुंचे उनके कान तक, वो किस समय किस से आवश्यकता पड़ जाए, सुब्रत सागरी याद करो मित्र, फिर भोला ही याद आया था उन सज्जन को, इस भाई ने उपास किया था एक जगह तो मैं तटस्थ भाव से देख रहा था, क्योंकि उसमें मैं मना भी करता तो ये उबल रहे थे, उन्होंने उपास कर लिया था, बराबर सबके दिन एक से नहीं होते। बोला इस पत्थर को धन्यवाद दो ना आप, इस पत्थर को धन्यवाद दो ना आप, कर्म का उदय तो कहीं भी आ सकता था, लेकिन इस पत्थर ने आपको टिकने को स्थान दिया है, इसके प्रति शुभ विचार करो, शुभ विचार करो। जहां ये सिखाया जाता हो कि जिस पत्थर पर तुम बैठे जिसने तुम टिके हो उसके एकेंद्रीय जीव को भी धन्यवाद दो, उसके काय से तुम टिके हुए हो मित्र, किसी ना किसी भाव में ये तुम्हारा संबंधी रहा होगा जो कि आज तुम्हारे लिए अस्वस्थ अवस्था में टिकने को स्थान दे रहा है। जब तुम स्वस्थ हो इन सब के प्रति दया भाव रखना, जब तक ये ठंडा जीवन नहीं जिएगा व्यक्ति तब तक अंदर का विषय समझ में नहीं आएगा। जिस पार्टी पे बैठे बेटा आप विश्वास मानिए, जिसकी वो लकड़ी है ना जगसी लकड़ी, सर्वासागर जी मित्र समझ मित्र मुक्षु समझ मित्र समझ, किसी न किसी भाव में तुझे क्या मालूम हो तुम्हारी माँ का जीव है जिसके कलेवर पर तुम बैठा है, हाँ वो ही संस्कार आए जो कभी लाल को गोद में बिठालती थी माँ, वही बेचारी मर मर के एक इंद्री वनस्पति बनी और वही नियोग बना उसी के शरीर पर आप यहाँ बैठे हुए हो। इतना ही नहीं सुमति भाई, थाली में एक सेव फल आया है, मित्र खाने के पहले यदि सोच लेगा तो तुझे वहीं रखना पड़ जाएगा। जिस बनस्पति से फल आया है उसके जीव से मिलो, जो कभी तुम्हें आंचल का पान पिलाती थी वही माँ तेरे राग में मरते मरते आज तुम्हारे पेट में फल बन के अंदर जा रही है। इसलिए जितनी कम हरी खाओ उतना ज्यादा अच्छा है। सुना माता, एक आपने लौकी की साग खाई और पत्तियां की धनिया की पत्ती खाई तो एक व्यक्ति की चटनी के लिए कितने के शरीर तोड़ तोड़ के लाओगे आप? सम्य दृष्टि जी का यही विचार होता है। रवि आया क्या? हे मित्र, एक रसना की नोक पर जरा से स्वाद के पीछे सोच बेटा, कितने लोगों के पत्ते खूट 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 के आएंगे, भाई कितनी भगवान आत्माएं थी। ज्ञानी जीव ये सोचता है जिससे अल्प आरंभ हो, अल्प सारम हो, अल्प हिंसा हो, ऐसा विचार करता भव्य प्राणी, इसलिए ज्ञानी कम से कम 4 महीने को तो त्याग दे। बहुत बढ़िया, जितने ज्ञानी यहाँ विराजते जरा भी दया तुम्हारे अंदर हो तो 4 महीने कम से कम पत्ती मत खाना। माताओं धनिया पत्ती खाओगे तो त्याग कर दो। आइए, ओ हरी पत्ती हरी चटनी, सुन भाई, धन्य वे जीव युवा अवस्था में दिगंबर मुनि होकर के उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उपवास आनंद के साथ करो, पारणा वैराग्य के साथ करना।
बराबर। उपास आनंद के साथ करो, उपारना बैराग के साथ करो, अन्यथा नहीं तो भोला कहे कल का मेरा उपास, आज इतनी सामग्री चाहिए चाहिए है। नहीं मित्र, जैसे तुमने उपास के दिन सब छोड़ दिया, आज कम से कम कुछ तो मिलेगा, ऐसा निर्णय करके अपन को पारणा करना चाहिए। ऐसा मत कहना कि रवि कल मेरी पारणा धनिया चटनी, बिल्कुल नहीं। यथा लब्ध लवलम्बा अवलम्बा उष्णम्बा अशुणम्बा, जैसा मिल जाए यथा योग, प्राशक होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। अब मित्र बहुत हो गया, आगे चलिए। अल्प फलो बहु विघातान, जिसमें फल अल्प हो विघात बहुत हो, ऐसा भोजन निर्विकल्प सागर अपन को तो करनी नहीं है, तो निर्मल गोंदिया को भी नहीं करना चाहिए। अल्प फल बहु विघाता, फल जिसमें अल्प हो और विघात अधिक हो तो ऐसा भक्ष भी क्यों ना हो तब भी नहीं खाना चाहिए। और इंद्रिय विजय के लिए आप प्राशक भक्ष को भी त्याग कर सकते हैं, ऐसा आगम वचन है बेटा, ठीक है। श्री गुरु अखी मुखु, श्री गुरु हे श्री गुरु, योगेन्द्र देवा अखी कथम मोक्षम मोक्ष महु मम न केवल मोक्षम, मुझे कहो आख्या कहो मोक्ष न केवल मोक्षम, मोक्ष कारणम मोक्ष का कारण भी, और मोक्ष कारणम कथम भूतम तत्थम मोक्ष केरो मोक्ष से संबंधी अन्यत और किम फलम, मोक्ष मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल, ये त्रेन ज्ञातेन किम भवती, इन तीन को जानने से क्या होता है। अब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, एन त्रेसी व्याख्याने जाना भी हम करता जानते हुए करता कम किसको, परमार्थम, इन तीन को जो जानता है वो परमार्थ का ज्ञाता होता है। तद्यथा प्रभाकर भट्ट, तब प्रभाकर भट्ट के ने कहा श्री योगेन्द्र देवान विज्ञप्त आचार्य योगेन्द्र स्वामी ने जान करके, मोक्षम मोक्षफलम मोक्षकर्मति त्रयम पृथ्वी भावार्था, इन तीन को पूछा। ये प्रश्नात्मक द्वासूत्र है, अब उत्तर देते हैं। तदेव अत्रे त्रियम क्रमेण भगवान कथिति, इन तीन को क्रम से भगवान कहते हैं, आचर भगवान। जूई मोक मोक फलो पुच्छे मोकम ही सोजन वरे जन भासियो रिसई तू जैन ब्याणी भी। गुरु महाराज अपने शिष्य से कितना बात्सल्य के साथ करें, बस हे योगी भैया आप जितने श्रावक श्राव का सुन रहे हो इस महान ग्रंथ को अपने अंदर में अलावा अलव ए बीत रहा कि गुरुओं प्रति भक्ति का भाव रखना। बोले क्यों, अजंत दिखते नहीं, सिद्ध कभी देखे नहीं आपने, पंचम काल से अरंत भी नहीं, आज निर्गंत मुनियों को देख करके ऐसा भाव बना, कम से कम धरती पर जब तक झटमा काल नहीं आया मुझे दिगंबर गुरु के दर्शन तो रहे। अब सुनो ध्यान से, त्याग किस किसने, नरक के नारकी की हत्या का त्याग किस किसने किया किया, अब सुनो माता कर तो दिया, अब संभल के सुनना। आपको राम में प्रीति है और रावण के प्रति द्वेष है, बोले इसने ऐसा किया। अब माना कि तुम पद्म पुराण का स्वाद दे कर रहे थे और रावण नरक चला गया, जब उसके नरक जाने पर जब वर्णन निकलता कि नरक में इस प्रकार से कुट रहा है पिट रहा है टुकड़े हो रहे हैं, तब तुम्हारे भाव क्या बोलेंगे,
अच्छा हुआ इसको ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसा बोले ना तो तुम्हारे द्वार नरक की नार की हत्या का दोष लगेगा। इसलिए आपको ऐसे जगह आपको संभलना है। ठीक है उसने ऐसा किया था सो नरक चला गया, लेकिन विचारे क्या शुभ कर्म को दोष से अब मैं पंचरी की हत्या का क्यों विचार करूं, वो निकल के आएगा अपना प्राश्चित करके वो भी भगवान बन जाएगा। माताओं त्याग कर दिया नरक के नार की हत्या का, कितना तुमने बहुत बड़ा व्रत ले लिया, नरक के परमेश्वरी नरक के नार की हत्या का तो त्याग तुरंत कर लिया। घर में बहू बेटी सास ससुर जेठ जिठानियां इनके प्रति अशुभ विचारने का त्याग और कर दो। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है दीपक देख बालक, बोले मेरा एक इंद्रिय हिंसा का त्याग, दो इंद्रिय हिंसा का त्याग, तीन इंद्रिय हिंसा का त्याग, चार इंद्रिय पांच इंद्रिय हिंसा का त्याग, उस सामने कहीं दीपक भोला दिख जाए ये दूसरे का ब्रह्मचारी है इसको खाना नहीं परोसना। ओ भैया राजस्थान में हमने देखा उनकी जाति के कबूतर नहीं होते लेकिन सारे कबूतरों को दाना डालते हैं, डालते कि नहीं डालते हैं। शिखर जी में हमने देखा कोई इनके जाति के नहीं होते हैं, बंदरों को लोग चने डालते हैं केले डालते हैं। तो मतलब तुमको एक त्यागी एक बंदर जैसा भी नहीं दिखा, एक त्यागी तुमको कबूतर जैसा भी नहीं दिखा। कम से कम भी लोग शिखर जी के वे श्रावक अच्छे हैं जो कि बंदरों को केले डाल रहे हैं चने डाल रहे हैं, और तुमने तो त्यागी से बोल दिया उनको पड़गान मत करना भैया। ओहो ऐसा पाप का बंद मत करना कन्नू भाई, तुम तो सबको पड़गान करना, किसी भी संघ का साधु आए तुम्हें पड़गान करना है। ये मत कहना कि विश्व चागा चौमासा करके समझा मत पढ़ा, नहीं नहीं मैं ये समझा रहा हूँ मैडम वो लोए सब भूसा समझ रहे ना, चेहरा देख के पड़गान नहीं करना, संयम देख के पड़गान करना। नहीं सुनाई पड़ा, चेहरा देख के पड़गान नहीं करना पीयूष, संयम देख के पड़गान करना। इसलिए जुई मुख पलू सो जिणवर भाष्य निश्चय तुम जैन ब्याणे मेऊ। हे योगिन, योगी कह रहे हैं कितना भक्ति से बोल रहे हैं एक गुरु महाराज अपने शिष्य से। हे योगिन मोक्षोपी मोक्ष फलम मोक्ष मोक्ष फल पृष्ठम तथा करते भूते ने, आपने प्रश्न किया मोक्ष मोक्ष का फल और मोक्ष मार्ग पुनरुपीकम कहाँ पृष्ठा और क्या पूछा मोक्षेउ मोक्ष मोक्ष का फल और मोक्ष का हेतु मार्ग मोक्ष से हेतु कारणम जिन भाष्यम जिनवर भणतम तिष्ठु निश्चय ना सुनो। जैसा जिनवर देव ने कहा है आचार्य महाराज के एक एक शब्द पकड़ो, मतलब वो स्वयं समझा सकते थे लेकिन यहाँ कितना बहुमान रखा अरहंत देव का। देख वश हे योगी जैसा मोक्ष मोक्ष का फल और मोक्ष का हेतु मार्ग जैसा जिनवर देव ने कहा है, मेरी तरफ से नहीं जैसा जिनवर देव ने कहा है, जिनवर देव ने जिन भास्तम सुड़हीन सुनिश्चय सुनो समाकरण अच्छी तरह से तुम कानों से सुन। बिजानी ही भेदम त्रियाणाम संबंधनीम इति तीन का समझ प्रकार से अयम अत तात्पर्य था यहाँ पर ऐसा तात्पर्य श्री योगेन देवा कथयन्ति। श्री योगेन देव कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट, ये ग्रंथ किसके नाम उद्देश्य लिखा गया है प्रभाकर भट्ट इनके शिष्य का नाम है। योगेन देव कह रहे हैं हे प्रभाकर भट्ट शुद्धात्मोपलम्ब लक्षण मोक्षम, शुद्धात्मा की उपलब्धि है मोक्ष केवल ज्ञान अनंत दृष्टे व्यक्ति रूपम, जो केवल ज्ञानी अनंत दृष्टे रूप जो है वह है मोक्ष का फल। भेदाभेद रत्नात्मकम जो भेद अभेद निश्चय और विभार रत्नात्मक मोक्ष मार्गम च, यह है मोक्ष मार्ग। इसलिए क्रमेण प्रतव्यम आह तुम सुनो ध्रुवी, क्रम से
इनका कथन करेंगे, आप इसको अच्छे से सुनो। अथ धर्म अर्थ काम मोक्षणाम मध्य, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ, ठीक है, इन चार पुरुषार्थों के मध्य में सुख कारण अंतवान मोक्ष एवं उत्तमिति। सुख का कारण, परम सुख का कारण है तो मात्र प्रणव सागर जी एक मोक्षी है। इस प्रकार से अहिप्राय मनसि संप्रधार्य, ऐसे अहिप्राय को मन में धारण करके सूत्र उदम प्रत्याति सूत्र कहते हैं, ये तीसरे नंबर का द्वास पढ़ लीजिए, कल चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आचार्य महाराज जो योगिन देव स्वामी से प्रश्न किए थे प्रभाकर भट्ट ने, उनके लिए आचार्य महाराज योगिन देव स्वामी क्रमशः उत्तर देंगे। योगिंदु जोइंदु, तो जोइंदु बोलेंगे तो अभ्रंश हो जाएगा, और योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, सो आप हिंदी में संस्कृत में बोल रहे हैं, इसलिए ज्ञानांकुश अमृता सीति योगसार और परमात् प्रकाश, एक किन्हीं का ऐसा अभिप्राय है कि एक ही आचार है, और किन्हीं का ऐसा भी अभिप्राय चलता है कि अमृता सीति के योगेंद्र अलग हैं और ज्ञानंकुश के योगिंद अलग हैं और योगसार और परमात् प्रकाश के योगिंद अलग हैं, ऐसा भी लोगों का मंतव्य है। लेकिन अपनी दृष्टि में सभी भी त्रागी आचार हैं, और अधिकांश लोगों की धारणा है कि तीनों ग्रंथों के चारों के कर्ता एक ही हैं। धम्म अधम्म कम हो इयु सेलो मोक उत्तम पणवे नाणिज्य अन्य जन सोख। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब की व्याख्या आगे करेंगे, कल फिर आओगे मित्र, पर्यायी तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यंग बिन्नवीर सौम्य की।